हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टडी में हम डिस्कस करने वाले स्टैटिक आंकड़ा से हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा भाई इस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्टडी करेंगे जिससे हम इजीली पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने वाले देखें। सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न देख लेंगे, कितने की थियरी आने वाले, कितने के प्रैक्टिकल सम्स आने वाले, कौन कौन से चैप्टर कौन से क्वेश्चन में आने वाला और सबसे मेन क्वेश्चन 5 में क्या हो सकता है, सारा का सारा हम डिस्कशन करने वाले। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना रहेगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरी रहती है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं पहले पेपर पैटर्न आपको बता देना चाहूंगा और इसके बाद मैं आईएमपी थ्योरी भी जरूर बताऊंगा आपको। देखिए पहले मैं बता दूं, आपको पता ही पूरी बुक के अंदर आपके टोटल चैप्टर कितने हैं, 4 है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 जो है क्वेश्चन 1 में आएगा, चैप्टर 2 क्वेश्चन 2 में आएगा, चैप्टर 3 क्वेश्चन 3 में और चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा। अब आपको इतना तो पता है भाई हमको अटेम्प्ट तो ओनली 2 ही करने हैं, तो आप यही सोच रहे होंगे भाई हम 2 ही चैप्टर कर लेंगे। तो बिल्कुल सजेशन यही रहेगा 2 ही चैप्टर कीजिएगा। बट जो आज के दिन ही स्टडी कर रहे हैं, जिनको 4 चैप्टर में से कुछ नहीं आता है, तो उनको 2 ही चैप्टर देखना है। लेकिन जो ऑलरेडी रेगुलर स्टडी करे हुए हैं, जिन्होंने ज्यादा चैप्टर देखे हुए, तो उनसे जरूर रिक्वेस्ट है कि 2 चैप्टर पे डिपेंड ना रहे, 2 से ज्यादा जरूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि सम्स में बाय चांस कुछ डिफिकल्ट सम्स आ गया तो आप दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये आप क्लियर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि रिक्स पे मत रहिएगा स्टैटिक के अंदर। जो लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं आज ही देख रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन की है वो भी जितने चैप्टर उनको आते हैं सारे देख के जरूर जाइएगा। अब देखिए पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं, तो आपको पता चल गया मैं चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही आने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं 10 और 10 मार्क का ही होने वाला है, यहां 20 मार्क बिल्कुल नहीं होने वाला है, 10 मार्क का ही होगा। और यहां पर जो पहला रहेगा वो हमारा थियरी ही होने वाला है, क्योंकि पहले जो थियरी हुआ करती थी 2.5 आवर में वो 7 मार्क की हुआ करती थी, उससे पहले जब 3 आवर का टाइमिंग हुआ करता था तब 4 मार्क की थियरी हुआ करती। लेकिन अब जब 2.5 नहीं है, 3 नहीं है, डायरेक्ट 2 आवर का टाइमिंग है, तो थियरी 10 मार्क की हो गई है। मतलब भाई थियरी के बेस पर भी आप पास हो सकते हो, पास के अच्छे मार्क ला सकते हो, जिसको सम्स नहीं आता उसकी भी बात कर रहा हूं। तो थियरी जरूर रीड करके जाना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और थियरी के लिए आईएमपी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अच्छे से अपलोड कर दिया है, प्लीज इसकी लिंक आपको यहां आई बटन में मिल जाएगी, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा मैं बता दूं यहां प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा उसी चैप्टर का, और मैं बता दूं सम्स के और में दूसरा सम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई एक चैप्टर 2 चैप्टर पे डिपेंड नहीं रहना है, जो रेगुलर स्टडी करते हैं 1 से 2 से ज्यादा चैप्टर रीड करना है, जिससे सम्स में बाय चांस कुछ ऐसा हो गया कि डिफिकल्ट सम्स आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सम्स के और में सम्स नहीं है, थियरी के और में थियरी नहीं है, तो आपको जो थियरी सिलेक्ट को, ऐसा हो सकता है कि एक थियरी की जगह 2 थियरी दोनों लिखनी पड़ेगी 10 मार्क में, ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि कहीं पर छोटे छोटे डेफिनेशन होते हैं जैसे चैप्टर 4 के अंदर AQL LTPD मिक्स होते हैं, तो जरूरी एक पे पूछेगा, 2 या 3 लिखनी पड़ेगी, ऐसा जरूर होगा, ठीक है। ठीक है, समझ गया, आई होप थियरी और सम्स। तो हर एक क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट होने वाला भी, पहला 10 मार्क का थियरी, दूसरा 10 मार्क का सम्स, मतलब चारों में आपको सेम पैटर्न ही देखने को मिला और एक गारंटी है ऐसा ही होने वाला है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए और इजिली हो जाएगा, ये डिस्कशन करने से पहले मैं क्वेश्चन 5 आपको बता दूं। यहां पर आपको जैसा पता है MCQ आते हैं, बट ये स्टैटिक है इसलिए यहां पर MCQ आपके नहीं आएंगे, मतलब आपको ऑप्शन ABC देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप कहीं पे भी इजीली कुछ भी लिख सको, ऐसा नहीं हो, क्योंकि यहां पर जो शॉर्ट सम होता है ना प्रैक्टिकल, वो आपको देखने को मिलेंगे, समझो शॉर्ट सम मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, उसके अंदर 1 मार्क की कोई थियरी 2 मार्क की थियरी भी ऐड हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं होता ही है, जैसे क्वेश्चन में आप देखोगे मीन और वेरियंस मध्य कर विचरण वाला सम्स होता ही है, अब जान जाओगे अगर अपने चैप्टर देखा है अच्छे से, तो वो यहाँ पर 2 मार्क के अंदर पूछने के चांसेस है, गारंटेड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं बता देना चाहूंगा भाई ये 4 चैप्टर में से कौन से 2 चैप्टर करे, उसमें भी कौन कौन से सम्स करे, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए आपको सिंपल बता दूं, 4 के 4 चैप्टर ऐसे नहीं है कि भाई कोई बहुत इजी है तो कोई बहुत टफ है, सारे एक लेवल के ही है। और क्या होता है कि हर एक चैप्टर में 1 से ज्यादा टाइप के सम्स तो होते ही है, तो अब यहां पर कौन सा टाइप का सम्स आएगा वो डायरेक्ट बोलना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आप जो चैप्टर करेंगे ना उसमें आने वाली सारी मेथड करनी रहेगी। तो देखिए मैं पहले यहां बता दूं बुक की है मेरे पास, देखिएगा ध्यान से गुजरती की बुक के पास चैप्टर आप समझ जाओगे। पहले सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना चाहिए पोजिशन अटेम्प्ट करें
ही लेना चाहिए, पॉइजन अति गुणतर अटेम्प्ट कर ही लेना चाहिए, पॉइजन और हाइपोज्योमेट्री। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी लेवल का पूछा गया एवरी टाइम। इसमें जो सम्स पूछे गए ना हर बार बहुत ही इजी टाइप के ही पूछे जाते हैं, और कुछ ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है ये तो। और इसकी थियोरी भी फिक्स है कि ये दो थियोरी में से एक थियोरी आएगी, इसके लिए मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जहां पर थियोरी में वैलिडिटी होती है वहां थोड़ा प्रॉब्लम और आती है, क्योंकि उसमें थियोरी ज्यादा पढ़नी पड़ती है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, दो ही थियोरी उसकी मैं बता दूं, और वीडियो अपलोड है चेकआउट जरूर कीजिए। यहाँ पे भी बोल देता हूँ, एक पॉइजन वितरण का जो गुणधर्म है या उसके उपयोग वो रीड करना डेफिनेटली है। वैसे तो वैसे अति गुणोत्तर के अंदर भी, हाइपोजियोमेट्रिक के अंदर भी आपको वैसे पहला थियरी देखने को मिलेगा, वो इसका उपयोग अन्य गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस, यही दो थियरी है जो हमेशा एक दूसरे के और में आती थी, अब इन दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगी। इसलिए थियरी भी बहुत ईजी है और सम्स में जितने टाइप के भी सम्स है बहुत ईजी है। ऐसा नहीं बोला कि आपको फिक्स यही करना है, बहुत ही ईजी है। तो जिसको कुछ नहीं आता ना तो एग्जाम्पल ही कर लो, मैं बोल देता हूँ एग्जाम्पल में से ही उसी टाइप का सम्स आएगा, गारंटेड ही ऐसा ही है। और वीडियो इसकी अपलोड डिटेल में है, प्लीज प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा। जब आप चैप्टर ये सिलेक्ट करोगे ना तो कंप्लीट आपको रेडी करना है, तो सारे के सारे वीडियो अपलोड है, अगर वो कंप्लीट आपके देख लिए तो पूरा चैप्टर आपको आ गया, ज्यादा एक्स्ट्रा को देखना नहीं। दूसरा चैप्टर में बता दूं, जो आपका यहाँ पर ग्राफ वाला जो चैप्टर है, चार्ट वाला आलेख, ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके ना जो सम्स है, मतलब जो आलेख बनाना है वो आपको गारंटेड देखने को मिलेगा, एक्स बार और आर का चार्ट गारंटेड देखने को मिलेगा, ये 99% चांस है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली पूरा कंप्लीट आप इजीली कर पाओ, कुछ ज्यादा इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अगर एक बार आपने एक सम्स गिन लिया तो आपको सारे सम्स आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं बोलोगे इसके बाद जो इसमें एन एनपी और सी चार्ट है वो नहीं करना, वो करना ही है। क्यों करना है, ये दो मार्क में यहां पे आएगा, मतलब इसमें आपको क्या करना है, उसका जो लिमिट्स है, लिमिट्स मतलब नियंत्रण सीमा, वो आपको देख लेने का, इसके फॉर्मूले देख लेने के, जिससे क्या होगा ये दो मार्क में गारंटेड यहाँ पे आएगा ही, तो वो आप रेडी कर लीजिएगा, जिससे ये दो मार्क आपके अटेम्प्ट हो जाएगा। छोटे छोटे सम्स जो होते हैं ना, जैसे एक बार यहाँ दिखा देता हूँ, भले वीडियो लॉन्ग हो जाएगा लेकिन आपका काम तो पूरा हो जाएगा। अभी आप दो मार्क के अंदर भी आपको क्या पढ़ना है, जैसे आप देख रहे हो ये सी का, तो ये कंप्लीट पढ़ लेना है गारंटेड। क्यों पढ़ना है, कि दो मार्क में कैसा पूछा जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ बता दूं। जैसे आप देख रहे हो कोई भी खुला मेरे सामने या सी बार का आंसर दिया है, उसकी नियंत्रण सीमा फाइंड आउट करनी है, कंट्रोल लिमिट फाइंड आउट करनी है, ये होता है दो मार्क का, ऐसा पूछा जाएगा ही, कुछ भी कर लेना है ऐसा दो मार्क में आपको देखने को मिलेगा ही। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जितने बाकी बचे हुए आलेख है ना चार्ट्स, तो उनकी वो नियंत्रण सीमा है, कंट्रोल लिमिट जरूर रेडी कर लीजिएगा। तो ये दो चैप्टर बहुत ही नॉर्मल लेवल। अब थर्ड चैप्टर भी बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, क्योंकि जो रेगुलर स्टडी करते हैं उनको करना ही पड़ेगा, यहाँ पर आपको बहुत ईजी देखने को मिल जाएगा। थियरी प्लीज आईएमपी मैंने रेडी कर दी हुई है, वो रेडी जरूर कीजिएगा, एक 10 मार्क की थियरी, इसमें दो थियरी भी लिखने को आ सकती है साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक इन्वॉल्व है छोटे छोटे, ठीक है। सम्स की बात करो तो इसमें जो टाइप के सम्स है, जो टाइप्स मतलब बेसिक है, सारे वीडियो अपलोड किए हो मैंने जितने टाइप के सम्स आते हैं बुक के अंदर, मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है कि भाई ये अगर चैप्टर में कोई ऐसी मेथड रह गई हो तो सारे देख लीजिएगा। एक साथ में कैसा पूछता है, पीए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, संभावना, साथ में एओक्यू एटीए फाइंड आउट करो, ऐसा टॉपिक पूछ लिया जाता। अब यहां संभावना की मेथड कोई भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी की, या तो पॉइजन हो या तो अति गुणोत्तर मतलब हाइपोजियोमेट्रिक भी हो सकती है, दोनों टाइप आपको देखने पड़ेंगे। उसके बाद यहां पे जो उत्पादक का जोखिम है, ग्राहक का जोखिम, प्रोड्यूसर रिस्क, कंज्यूमर रिस्क, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो बच गया वो ओसी वक्र, उसी वक्र बनाना, बस ये तीन टॉपिक ही है पूरे चैप्टर में देखा जाए तो अगर चैप्टर रेडी कर रहे हो ना तो प्लीज कंप्लीट जरूर रेडी कीजिएगा। समझ गए होंगे, मैं आई होप मैं आपको थोड़ा डिटेल में अच्छे से क्यों बोलना चाहूंगा, क्योंकि कुछ ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, 2 आवर की मेहनत है एक चैप्टर के पीछे देखा जाए तो 4 आवर के अंदर आपका सारा काम पूरा हो जाता है। ये चैप्टर उनको कर लेना है जिनको ऑलरेडी आता है, ये सजेशन में आपके ओपिनियन पे, जिनको सम्स ऑलरेडी आता तो देख के जरूर चले जाएगा, इग्नोर नहीं करना क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस कर ली है, बट जो आज ही रीड कर रहे हैं दो ही चैप्टर करना है तो भाई सेकंड और थर्ड करके चले जाइए, आपका काम गारंटेड हो ही जाएगा, पासिंग से ज्यादा ही आएगा। लेकिन जिनको डिस्टिंक्शन लाना है, अच्छे मार्क लाना है, तो 3 चैप्टर रेडी करना आप को होगा ही, और यार शॉर्ट सम्स जरूर देख के चले जाना। ऐसा नहीं बोला सारे चैप्टर के देख लो, 3 के देख लो तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि 5 ही हमको एग्जाम में करने रहते हैं, तो आपको 7 से 8 देखने को मिलेंगे, तो ऑलरेडी 5 आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको आ जाएंगे। तो ये हो गया है कंप्लीट डिस्कशन, प्लीज इसकी थियरी का वीडियो अपलोड है चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैंने बोल दिया जितनी मेथड है सारी मेथड करना, उसमें कोई ऑप्शन में निकालना नहीं, कोई भी सम्स आ सकता है।
तो ये कंप्लीट डिस्कशन हो गया, आई होप इससे आपको हेल्प हो जाएगी, आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बहुत से स्टूडेंट्स से, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो क्वेरी तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।